हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। तो इस वाले वीडियो में हम सब करने वाले हैं पोलर पैरेट का सेटअप, ठीक है। तो चलिए वीडियो में आप सब बने रहेंगे। और आज मैं टू पेयर जो है पोलर पैरेट लेकर आया हूँ। तो ये वीडियो टेट्रा का टैंक था, तो मैं उसे दूसरे टैंक में शिफ्ट कर दिया हूँ। फिलहाल इस टैंक में हम सब करेंगे पोलर पैरेट का सेटअप। व्हाइट लाइट है, पीछे ब्लू बैकग्राउंड है, और इसमें हम सब व्हाइट सैंड पे सेटअप करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आप सब बने रहेंगे, और चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। चलिए मैं आज बात करूंगा पोलर पैरेट के ऊपर। तो सबसे पहले इसको डेकोरेट करने की पारी है। तो इसमें लगभग 3 kg आपको व्हाइट सैंड लगेगा, जो कि मैं लेकर आया हूँ। ये देख सकते हैं आप सब, ये 3 kg है, 3 पैकेट, ठीक है। तो 3 kg यानी इसका कॉस्ट मुझे पड़ा है 50 rupees kg। तो 50 rupees के हिसाब से आप जोड़ लीजिए कितना हो गया, 150 का आपका हो गया सैंड, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें सैंड डालते हैं। इसको मैं वॉश वगैरह नहीं किया हूँ, उतना भी दिक्कत नहीं होता है। कलरफुल स्टोन को जरूर कर लेना चाहिए वॉश, और ये वाइट सैंड में कुछ भी नहीं रहता। बहुत दिन से कोई सेटअप नहीं हुआ था, और अब से रेगुलर हमारे चैनल पे वीडियोस रहेंगे। बहुत दिन से मैं वीडियोस भी नहीं बना पा रहा था, आज मैं गया था और बहुत सारा वीडियो बना के भी आया हूँ। फिश स्टॉक का भी वीडियो बनाया हूँ, इसके अलावा एक नया एक्वेरियम सेटअप किया, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले आप पोलर पैरेट का वीडियो देख लीजिए। ये दूसरा पैकेट जा चुका है। सिंपल सेटअप करेंगे, कोई ज्यादा फूल पत्ती वाला सेटअप नहीं रहेगा। ये स्टोन के ऊपर मेनली सेटअप रहेगा। ये हमारा तीसरा पैकेट जा रहा है। 3 पैकेट आप 1.5 फीट के एक्वेरियम के लिए सफिशियंट है। ये तीसरा पैकेट, ये 1.5 फीट का एक्वेरियम है, 12 इसकी चौड़ाई है और हाइट 12 है। तो सबसे पहले इसको अच्छे ढंग से पीछे की ओर ज़्यादा ऊंचा देंगे, आगे थोड़ा कम रखेंगे, ठीक है। इस पर आप ध्यान देंगे, पीछे थोड़ा रहना चाहिए, ऊंचाई ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादातर पीछे ही सेटअप होगा, आगे कम सेटअप होगा। ये सब पुराना एक्वेरियम में दाग हो जाता है। इसको अभी मैं एसिड से नहीं साफ किया, जल्दी जल्दी में कर दिया। अब चलिए इस पे हम सब अब करेंगे सैंड। सैंड हो गया, अब हम सब करेंगे स्टोन, ठीक है। और इसमें सबसे बेस्ट लगेगा आपका व्हाइट स्टोन। तो चलिए व्हाइट स्टोन पे काम करते हैं। काफी सारे व्हाइट स्टोन है हमारे पास पहले से, कोई प्लांट वगैरह इसमें मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ, नॉर्मल रहेगा। पोलर पैरेट जो है ये सिकलेट वैरायटी की फिश होती है। तो सिकलेट वैरायटी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसका हाइडिंग प्लेस प्रॉपर रहे, और ताकि फाइट वगैरह ना करे। सेम पैरेट की तरह बिहेवियर होता है इसका। और मैं एक एसेसरीज भी लेकर आया था, आप देख सकते हैं, ये एक एसेसरीज है, इसमें पोलर पैरेट रहेगी। तो चलिए अब दिखाता हूँ कि किस प्रकार से आपको सेटअप करना है। तो सबसे पहले इसके अंदर जो है छिप कर पोलर पैरेट रहेगी, और ऐसा आपको इसमें रखना ही रखना है, ठीक है। अगर ऐसा नहीं रखेंगे तो फिर वेस्ट नहीं होगा, और फिर पोलर पैरेट फाइट करेगी और कोई ना कोई लॉस हो जाएगा आपको। अब इस दो के बीच में हमेशा स्टोन देना है आपको, और यहाँ पे जैसे एक स्टोन, ताकि ये इधर उधर ना हो और एक अच्छा व्यू आएगा, ठीक है। ये दूसरा स्टोन, बाद में इसके ऊपर अगर स्टोन का जगह बचेगा तो ज़रूर इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। चलिए अब दूसरा एक और है मेरे पास, सेम ही है, ये भी मैं दे देता हूं उस पे, और एक वाइट एकदम प्रॉपर बैठ गया, देख रहे हैं। अब इस वाले को भी हम सबको इसी में यूज करना है, ठीक है, बीच में। अब ये रहेगी नहीं, तो अभी थोड़ा सा पीछे स्टोन वगैरह मैं दे देता हूं, उसके बाद ये रहेगी।
को मैं सोच रहा था। इसको मैं नीचे ही दे देता हूँ और इसके ऊपर रख देता हूँ स्टोव। ये सही आइडिया है, ठीक है। इसमें ऐसा जगह बना रहा हूँ जिससे पोलर पैरेट उधर से आए और इसमें से निकले, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से सेटअप करें। अब इसके चारों तरफ बहुत सारा स्टोन आपको देना है ताकि कि फाइट वगैरह ना करें, क्योंकि ये सारी मछली जो है बहुत फाइट करेगी और फिर आपको आप दिक्कत में आ सकते हैं, ठीक है। तो आपको जितना हो सके आप हाइडिंग प्लेस क्रिएट करें, और हाइडिंग प्लेस जब रहेगा तो फिर ये कुछ करेगी नहीं। इसमें मैं हैंगऑन बैक फिल्टर लगाऊंगा, इसको ज़्यादा फोर्स नहीं पसंद है, और सेटअप नॉर्मल ही रहेगा। कोई ये नहीं है कि बस ज़्यादा से ज़्यादा हाइडिंग प्लेस मैं इसमें क्रिएट कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे जो हाइडिंग प्लेस है ये बहुत काम करे, इसलिए आपकी पैरेट फिशेज, इवन कोई भी पैरेट फिशेज, जो आप कोई भी पैरेट फिशेज रखते हैं, तो आप इस बात का एकदम ध्यान देंगे कि आपको जो है हमेशा जो है इसमें हाइडिंग प्लेस रखना ही रखना है। इसको प्लांट वगैरह से कोई मतलब नहीं है, और ये सैंड भी हटाएगी, पर एक प्लांट में दे देता हूँ, ठीक ठाक लगेगा ही। चलिए ये हो गया सिंपल सेटअप। इसको मैं ये वाला जो न्यू वाला है इसको मैं सोचा था ऊपर रखने का, इसको मैं किसी तरह से दबा देता हूँ, ठीक है। शानदार हो गया। अब इसके अंदर घूमेगी आपकी पोलर पैरेट। अभी पोलर पैरेट में डाल के भी दिखाऊंगा, क्योंकि हमारे पास पहले से 50% पानी है, पुराना और नया। सबसे पहले हम सब इसमें 50% जो है न्यू वाटर भरते हैं, ठीक है। शानदार सेटअप लग रहा है, कोई भी इसमें इधर उधर नहीं है, और ऑक्सीजन फिर मैं बाद में ऐड करता हूँ, पहले इसमें पानी डालता हूँ, ठीक है। आप बने रहिए वीडियो में। तो इसमें 50% न्यू वाटर मैं ऐड कर रहा हूँ। सबसे पहले ऐड कर लेंगे न्यू वाटर, फिर जो 50% हम सब इसी टैंक का पानी लगा निकाले थे तो वो इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। आप यही सब आप सब गलती करते हैं, आप पूरा पानी निकाल देते हैं तो आपकी फिशेज मरेगी ही मरेगी, क्योंकि पूरा पानी आप निकालेंगे तो उसका सारा बैक्टीरिया जो बना होता है पहले से वो खत्म हो जाता है। तो इस बात का आप सब ध्यान देंगे, हमेशा 50% पानी निकाल लें और 50% जो है फेंक सकते हैं आप। तो ऊपर का जो 50% हो उसको निकाल लें और नया 50% ऐड करते हैं। तो पहले मैं न्यू वाटर ऐड कर रहा हूँ, तब इसमें ना आपको एंटी क्लोरीन देना है, ना ब्लू वाला लिक्विड देना है, ना ग्रीन वाला देना है, आपको कुछ नहीं देना है। तो चलिए पहले यहाँ तक भरने देते हैं, लगभग यहाँ तक भर जाएगा, फिर हम सब पुराना पानी ऐड करेंगे, फिर इसमें पोलर पैरेट ऐड करेंगे और फिल्टर वगैरह लगाएंगे। चलिए न्यू वाटर जो है इसमें मैं डाल चुका हूँ। अब मैं आपको ऑक्सीजन चला के दिखाता हूँ। इसमें मैं ऑक्सीजन ऐड कर दिया, एयर पंप जिसको बोलते हैं, आप जरूर गर्मी के दिनों में एयर पंप लगाएं। अब ये साइकिल हो रही है। अब इसमें हम सब पुराना पानी सबसे पहले ऐड करके भरता हूँ मैं, और फिर हम सब इसमें फिश ऐड करेंगे और फिल्टर ऐड करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका फुल सेटअप पोलर पैरेट का। अगर जब भी आप कोई पैरेट फिशेज या सिकलेट फिशेज या कोई पोलर पैरेट वगैरह रखते हैं जो कि सिकलेट वैरायटी की फिशेज है, तो आप मेनली इसमें स्टोन का सेटअप कीजिए, ठीक है। ऐसा आप हाइडिंग प्लेस क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा आपको आइडिया लग गया होगा इस वाले सेटअप से। जितना ज़्यादा आप हाइडिंग प्लेस रखेंगे आपका पैरेट फिशेज ना तो फाइट करेगा ना ही कोई दिक्कत होगा, ठीक है। तो चलिए बिना देरी किए हुए सबसे पहले मैं आपको फिश ऐड करके दिखाता हूँ। तो फाइनल लुक कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा। अब चलिए इसमें मैं बैक ये वाला फिल्टर सेटअप कर रहा हूँ, हैंग ऑन बैक फिल्टर। कैसे सेटअप करते हैं जिसको नहीं पता है, तो इस प्रकार से इसमें बना रहता है, यही साफ करता है, ये देख सकते हैं ये निकल जाता है, इसके ऊपर ये कवर लग जाएगा। चलिए मैं टैंक में आपको ऐड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये इसका फिल्टर प्रोसेस रहता है। इसको साइड से आपको ये वाला जो भाग है, ये वाला भाग इसको अंदर जाने देना है, बाकी ये बाहर आ जाएगा। देखिएगा किस प्रकार से, बने रहिए वीडियो में। क्या मैं बोल रहा हूँ, ये वाला जो भाग है इसको अंदर जाने देना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको ऐसे कर ले, ये फिल्टर वाला भाग भी अंदर जाएगा और ये वाला देखिए ये खुद ही चले जाएगा, ये रहा। अब क्या होगा इसमें, अब सबसे पहले इसको आप ऊपर से कैप लगा दें, इसका कुछ गंदगी वगैरह ना चल जाए, यहाँ बना है
ये लग गया। अब इसको मैं चला के आपको दिखाता हूँ कि इसका प्रोसेस क्या है। अभी मैं थोड़ा सा इसको ऑफ कर रहा हूँ ऑक्सीजन को। आप थोड़ा सा फिल्टर को देखिए ध्यान से। ये हमारा फिल्टर सेटअप हो गया। अब मैं इसको चला रहा हूँ। अब ये ऊपर से पानी जाएगा और यहाँ से फिर फ्लोट होकर के घूमेगा और ये साइकिल होता रहेगा, ठीक है, हमेशा क्लीन करता रहेगा। तो इसको आप ध्यान से देखिए, देखिए फिल्टर भर रहा है यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ से पानी गिरेगा, यहाँ से पानी फ्लो होगा। देखिए, आई होप कि आप सबको दिख रहा होगा। देखिए ऊपर से पानी फ्लो हो रहा है। तो ये है आपका इस एक्वेरियम का फाइनल रूप। अब क्या करना है हम सबका, एक आखिरी काम बचा हुआ है जो कि कर ही लेता हूँ, वो है हमारा फिश ऐड करना, ठीक है, जिसमें सबसे ज़्यादा आप सब एक्साइटमेंट रहते हैं। तो चार पीस में आज पोलर पैरेट लेकर आया। प्राइसिंग की बात करूँ तो 50 रुपीज़ ईच पड़ा है मुझे, तो 50 रुपीज़ ईच में चार अब मैं इसमें डालने वाला हूँ, ठीक है। ये टोटल चार पीस है, मैं बिना तड़पाए हुए जल्दी से इसको डाल देता हूँ। ये अब इस स्टोन का अच्छे ढंग से रहेगी इस स्टोन में। और ये हुआ पोलर पैरेट का सेटअप। आप 1.5 फीट के टैंक में भी पोलर पैरेट का सेटअप कर सकते हैं। आज मैं इसको फीड देने वाला नहीं हूँ, जिस दिन मैं फिश लाता हूँ उस दिन फीड नहीं देता हूँ। वाइट सैंड में इसका कलर ज़्यादा अच्छा आता है, क्योंकि मैं वाइट वाला पोलर पैरेट नहीं ले रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा डार्क ब्लैक होगी, जिस प्रकार से ये वाली ब्लैक है कोने वाली, उसी प्रकार से होगी, ठीक है। थोड़ा मैं आपको पास दे के दिखाता हूँ। चलिए मैं आपको पास ले जाता हूँ। ये देखिए, ये है हमारी पोलर पैरेट। जब भी आप न्यू फिश सेटअप करते हैं आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है। एक तो आपको फिल्टर सिस्टम प्रॉपरली रखना है, और जैसे ही आप फिश ऐड करते हैं उसके बाद आपको लाइट ऑफ कर लेनी है, ठीक है, नहीं तो ये अनकंफर्टेबल होकर अपना जान भी दे सकती है। तो ये सब आप ध्यान देंगे। ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए, इसी को बोलते हैं हाइडिंग प्लेस बनाना। अब ये फाइट नहीं करेगी, बहुत सारा यहाँ पे हाइडिंग प्लेस है, ठीक है। अगर घटेगा भी तो फिर मैं कर दूंगा और एक दो ऐड कर दूंगा स्टोन। तो ये फाइनली आज मैं इसका 50 रुपीज़ ईच यानी 150 रुपये इसमें खर्च किया हूँ, 50 इसमें, 200 और 200 का मछली। बाकी सब मेरे पास पहले से ही था, फिल्टर वगैरह ऑक्सीजन वगैरह सब कुछ पहले से था। चलिए मैं एयर पंप चला देता हूँ। फिल्टर का भी काम नहीं है क्योंकि साफ ही पानी है, कल से मैं फिल्टर चला दूंगा। तो सबसे पहले मैं एयर पंप आपको चलाकर दिखाता हूँ, क्योंकि न्यू फिश ऐड करने के बाद इसको ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये रहा हमारा ऑक्सीजन, जिसको एयर पंप बोलते हैं। अब ये शानदार तरीके से घूमेगी। तो बहुत दिन के बाद कोई फिशेस का सेटअप किया हूँ। आज ये वाला वीडियो आप देख लिए, कल जो है आपको मैं लाइव एक्वेरियम गार्डन का फिश स्टॉक का वीडियो दिखाऊंगा, और उसके अगले दिन मैं आपको जो न्यू सेटअप हुआ है हमारा, एक और चाइनीज़ एक्वेरियम सेटअप हुआ है, उसका मैं व्यू आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हमारे चैनल पे रेगुलर जो है वीडियोज़ आते रहेंगे। आपको कोई क्वेरीज होगा तो ज़रूर पूछेंगे। आपको कैसा लग रहा है ये वाला टैंक, ये भी मुझे कमेंट करके बताएंगे आप सब। तो ये रही हमारी पोलर पैरेट, छुपी रहेगी, मैं आपको बोला छुपी रहेगी। अभी इस चार में से भी फाइटिंग भी होगा, क्योंकि डोमिनेंस वाला बात होता है इसमें। सिगलेट वैरायटी की फिशेज में यही सब दिक्कत है, तो अभी थोड़ा सा फाइटिंग करेगी। लेकिन ये 1.5 फीट के टैंक के लिए ये चार पीस सही है। इससे ज़्यादा भरेंगे तो आपकी पोलर पैरेट ये देती होगी, आगे कुछ अच्छा होगा नहीं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। थैंक यू।